मौजूदा सूरत हाल है, हमारा ये मुतालबा है हुकूमत पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान से बिलखुसूस, यानी अफवाज पाकिस्तान का जिस तरह फर्ज है वाघा बॉर्डर से इंडियन फोर्स को आगे ना आने देना, इससे कहीं बड़ा फर्ज है मस्जिद अक्सा की हिफाजत करना। तो तरजीही बुनियाद पर ऐलान किया जाए कि पाकिस्तान की फौज बैतुल मुकद्दस की हिफाजत के लिए पहुंच रही है। आप सब ये तकाजा करते हैं और इसके साथ आपके मशवरे से अगली बार, और अगर इनकी कोई मजबूरियां हैं तो रब्बे काबा की कसम हमें तो इजाजत दे दें, यानी आखिर फलस्तीनी उन पर जो जुल्म हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है कि उम्मत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्द हैं, गुलामान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो कुछ छोटे मोटे पत्थर तो हम भी मार लेंगे और कुछ गोलियां हमारे सीने में ठंडी कर देंगे, और कुदस की हिफाजत के लिए अगर हमारा लहू काम आ जाता है तो इससे बड़ा और फायदा क्या होगा। इस बुनियाद पर यानी हुकूमत बिल्कुल वाज़े लफ्जों में हमारा ये मुतालबा है कि इस फौज को इजाजत दी जाए पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए भी रहें, लेकिन एक बड़ी बहादुर और तजर्बाकार फौज का थोड़ा सा हिस्सा भी अगर वहां भेज दिया जाए फलस्तीन में अक्सा की हिफाजत के लिए, तो इंशाल्लाह हमारे फौजी उन सहयूनियों को दिन दिहाड़े तारे दिखा देंगे। और अगर अगर ये फरिश्तियां नहीं भेजना चाहते, हालांकि ये इस्लाम की फौज है, इसका फर्ज पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ इस्लाम के बॉर्डर पर भी पहरा देना है, जरूर भेजना चाहिए। अगर वो नहीं भेजते तो कम अज कम हमें तहरीके लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इजाजत दे दें। अल्लाह की इज्जत की कसम, सुन्नी माओं के बेटे आज भी अपने खून से बैतुल मुकद्दस पर पहरा देते दिख रहे हैं। Yeah.